मुझे लगता है कि डर से निपटने के लिए सबसे कठिन समय तब होता है जब इसका कारण हमारे अपने कामों से होता है, जब हमारी नाकामी, हमारे पाप ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जिससे अब हम डरते हैं। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताज़ा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ, मुझे लगता है कि वो क्षण सबसे खराब होते हैं जब हम बिना किसी संदेह के जानते हैं कि ये खराब स्थिति जिससे अब हम डरे हुए हैं ये हमारी अपनी गलती है, क्योंकि ईमानदारी से उस समय हम परमेश्वर की सहायता की आशा नहीं करते। क्या मैं सही हूँ? मेरा मतलब है कि ये मेरी गलती थी, परमेश्वर अब क्यों सहायता करेगा? परमेश्वर के लोग अंततः वादा किए गए देश में थे, वो देश जिसमें दूध और शहद की धाराएं बहती थीं, लेकिन उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा करना चुना, इसलिए अंततः परमेश्वर ने धैर्य खो दिया और यरूशलेम को नष्ट करने के लिए बेबीलोनियों को भेजा। मंदिर को जमीन पर गिरा दिया गया और लोगों को गुलाम के रूप में कैद कर लिया गया। ये सब किसका दोष था? उनकी अपनी गलती, क्यों है ना? लेकिन नियत समय पर, ध्यान दें, सही समय पर, परमेश्वर के समय में प्रभु निकट आए। निश्चित रूप से ये एक लंबा समय था, 70 वर्ष, 3 पीढ़ियों निर्वासित देशों के रूप में, लेकिन परमेश्वर का समय हमेशा सही समय होता है, इसे याद रखें। यहोवा ने अपने लोगों से क्या कहा? बाइबल में लिखा है यशाया उसका 41:13 में, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। यहाँ तक कि जब आप जानते हैं कि ये सब आपकी गलती है, जब आप डर के मारे कांप रहे होते हैं, तो ये जान लें बस सही समय पर यानी परमेश्वर के समय पर वो दिखाई देगा, वो आपके लिए रास्ता निकालेगा, वो अपनी योजनाओं को प्राप्त करेगा और आप में और आपके माध्यम से अपना उद्देश्य पूरा करेगा। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। ये परमेश्वर का ताज़ा वचन है आज आपके लिए।